हम कभी उसे माफ नहीं कर सकते राहत माँ। तो बस समझ लो अब ये जख्म पूरी जिंदगी नहीं भरेगा। मुझे आपकी हेल्प चाहिए। ये देखो सरकारी कागज, एक हफ्ते का नोटिस दिया है मकान खाली करने के लिए। लेकिन हमें कोई नोटिस नहीं मिला। जरूर आपने किसी वकील को पैसे देकर नकली नोटिस बनवाई होगी पुरानी डेट डालकर। राहत माँ देखिए उसमें वकील का नाम होगा, लाइए हमें दीजिए। मुझे लगता है कि ये पेपर्स नकली हैं। काम कर क्या साबित कर दें। मकान मालिक ने हमें घर से बाहर निकाल दिया है। कहाँ जाऊंगी मैं अपनी बच्चियों को लेकर। देखिए अगर आप कुछ इंतजाम कर सके तो बहुत मेहरबानी होगी। हाँ मैंने बात की थी उनसे। जी ठीक है। जी खुदा हाफिज़। सही थी मैं, बहुत मतलबी है ये दुनिया। मुसीबत के वक्त कोई तुम्हारी तरफ देखना भी नहीं चाहता। सारे रिश्तेदार सारे जान पहचान वालों को फोन किया लेकिन कुछ बात नहीं बनी। सब यही कहते हैं देखेंगे कोशिश करेंगे फोन करेंगे लेकिन कोई कुछ नहीं करता। या अल्लाह क्या होगा। फिक्र मत करो राहत माँ, इस मुश्किल से निकलने का कोई ना कोई रास्ता जरूर मिल जाएगा हमें। और आप तो पिछले 15 सालों से इस घर में रह रही हो ना, तो मकान मालिक आपको बेघर कर ही नहीं सकता है। तुम सही कह रही हो गंगा, ये हमारा घर है, कोई हमें इस घर से कैसे निकाल सकता है। पिछले 15 सालों से राहत माँ इस घर में रह रही है, हम इस घर से कहीं नहीं जाएंगे। सब ठीक हो जाएगा। ऊपर वाले ने चाहा तो हमें रहने के लिए जगह जरूर मिल जाएगी। नहीं राहत माँ, दूसरी जगह ढूंढने की कोई जरूरत है ही नहीं। हम लोग सब इसी घर में रहेंगे। हमारे साथ गलत हुआ है और हमारे पापा ने हमेशा हमें सिखाया कि गलत के सामने कभी मत झुकना। हम लड़ेंगे राहत माँ और इस घर का दरवाजा दोबारा हमारे लिए खुलेगा, ये हमारा वादा है आपसे। यश यहाँ मिठाइयाँ बट रही हैं, खुशियाँ मनाई जा रही हैं। वो नंदोई जी को कोई अवार्ड ववार्ड मिला है ना इसलिए। सच में यश तुम लोग को खुश देखती हूँ ना तो मेरी आत्मा काम चाहती है। पर डोंट वरी, मैं इनको छोड़ने वाली नहीं। गंगा और सागर को सेपरेट कर दिया, अब सुप्रिया की बारी है। सुप्रिया का बच्चा पैदा नहीं होगा। चतुर्वेदी खानदान का कोई भी चिराग बचना नहीं चाहिए। मैं सुप्रिया को स्लो पॉइजन दूंगी। बच्चा पैदा होने से पहले ही उसके पेट में मर जाएगा और लोग बोलेंगे बेचारी सुप्रिया, उसके तकदीर में बच्चा था ही नहीं इसलिए पैदा होने से पहले ही मर गया। डॉली सबको दे दे। जी। और कशिश उठ जाए तो उसे भी खिला देना। जी। गंगा पाठक के लेटर का जवाब तैयार हुआ क्या? बस डॉली दीदी बस हो ही गया, और इसके बाद जाकर ना हम इसे कॉपरेटर के ऑफिस में भी दे आएंगे। और देख लेना मकान मालिक को फिर से हमें ताला खोल के देना होगा और उसके साथ साथ हम उसके वकील पर भी धोखाधड़ी का केस करेंगे। पहले कुछ खा तो लो। हम बाद में खाएंगे राहत माँ। राहत माँ अगर रात तक घर की चाबी नहीं मिली तो क्या करेंगे हम लोग, कहाँ जाएंगे, रात भर इस फुटपाथ पर रहेंगे क्या? फिक्र मत करो प्रेमा, हमें पूरा विश्वास है कि रात होने से पहले हमें चाबी मिल जाएगी। ओ मैडम इधर रोड पर क्यों भीड़ लगा रखी है? अपना बोरिया बिस्तरा लपेट लो और निकल लो यहाँ से। चलो पाठक जी के घर के सामने से सामान हटाओ। आगे बढ़ने की हिम्मत मत करना और हमारे सामान को भी नहीं छुओगे तुम लोग। जाके बोल दो अपने पाठक से ये घर उसका है लेकिन ये फुटपाथ उसका नहीं है, समझे? जाओ तुम लोग यहाँ से। क्या कर लेगी तू, हम लोगों को रोकेगी? हाँ रोकेंगे हम, देखते हैं तुम लोग क्या कर लेते हो। Thank you.
अच्छा तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे, अभी बताता हूँ। छोड़ छोड़, मैं कहता हूँ छोड़ो, हाथ छोड़ो, हाथ छोड़, हाथ छोड़। बार तो बच गए तुम, लेकिन हम लोग फिर से आएंगे। थैंक यू। हमें लगा था कि आज की दुनिया में लोगों के दिलों से इंसानियत मिट चुकी है, खत्म हो चुकी है। आज आप लोगों ने हमें गलत साबित कर दिया। हमारी मदद करके आपने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। ये एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। आप आगे नहीं आते तो शायद कोई हिम्मत नहीं करता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे इंसान ही इंसान के काम ना आए तो ये जिंदगी किस काम की है। मैं यहाँ पास में ही रहती हूँ, अकेली रहती हूँ। आप सब चलो मेरे साथ, जब तक ये मामला नहीं सुलझ जाता मेरे साथ ही रहो। जी जी नहीं, आपने पहले ही बहुत कुछ किया है, हम आपको तकलीफ नहीं देना चाहेंगे। तो क्या फुटपाथ पे पड़े रहोगे इन सबको लेके? मेरे साथ चलो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। चलो मेरे घर ले चलो बेटा, मदद करो सामान उठाने में। चलो गंगा, कितनी गलत थी मैं, न जाने क्या क्या सोच लिया इन लोगों के बारे में। आज जाना कि इंसानियत अब भी बाकी है इस दुनिया में। ठीक कर आत्मा, हम भी अक्सर लोगों को पहचानने में भूल कर देते हैं। कभी तो हमें उनकी अच्छाई हैरान कर देती है और कभी उनकी बुराई। आओ चलते हैं। ये क्या कर रही हो गंगा? रहने दो, मैं ले लूंगी। तुम्हें अभी ध्यान रखना होगा, प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने बहुत जरूरी होते हैं। मैं ले लूंगी, तुम मेरा बैग ले लो। दीदी ये दवाई किसके लिए, कौन बीमार है? अरे नहीं कोई बीमार नहीं है, डॉक्टर ने सुप्रिया को मल्टीविटामिन्स देने के लिए कहा है ना, वही है। ओह मैं तो घबरा ही गई। अच्छा प्रभा, किचन में बहुत सारा काम पड़ा है, तुम सुप्रिया को ये दवाई दे आओगी? हाँ दीदी क्यों नहीं, पर ये दवाई ना पानी के बजाय अगर दूध के साथ लें तो बहुत अच्छा होगा। जब प्रिंस होने वाला था ना तो डॉक्टर ने मुझे यही बोला था, तो मैं क्या दूध के साथ ये दवाई दे दूं? हाँ तो अच्छी बात है, दूध तो सेहत के लिए और अच्छा होता है, तुम दूध के साथ ले जाओ। दीदी मैं दवाई दे आती हूँ। हाँ बहुत हो गया काम, दवाई लाई हूँ। आपने क्यों तकलीफ की मामी? तकलीफ किस बात की?
तुम्हें ये दवाई लेनी है दूध के साथ। मैं दवाई तो ले लूंगी मामी, लेकिन दूध बस अभी थोड़ी देर पहले पिया, मैं फिर से एक ग्लास दूध नहीं पी पाऊंगी। पानी के साथ ले ले। पानी बिल्कुल नहीं, तुम्हें दूध ही पीना पड़ेगा। और एक ग्लास पी लिया तो क्या हुआ, एक और ग्लास पी लो। दीदी ने साफ जोर देकर कहा है कि सुप्रिया को दूध ही पीना पड़ेगा। मामी प्लीज, मैं नहीं पी पाऊंगी। मेरा मान नहीं तो दीदी का मान रख लो और अपने आने वाले बच्चे के बारे में कुछ सोचो। ठीक है, ये लो दवाई देती हूं। शाबाश, चलो अभी आराम करो, लेट जाओ। आज जहर की पहली खुराक मिली है तुम्हें सुप्रिया, कुछ और दिन तक लेती रहो, फिर तुम्हारा आने वाला बच्चा हमेशा के लिए सो जाएगा और किसी को मुझ पर शक भी नहीं होगा। तो राजी हो, बताइए कि ये लेटर लिखा किसने? ओहो, तो आप इनकी वकील हैं? अरे तो फिर ये लेटर काहे लिखा? ये तो उसी का काम है ना, जो कानून की जानकारी रखता हो। जी हम लॉ स्टूडेंट रह चुके हैं, कानून की जानकारी है हमें। देखिए मैडम, हमें मत सिखाइए, लॉ की चार किताबें पढ़ने से कोई वकील नहीं बन जाता। अरे अनुभव भी तो कोई चीज होती है, और वो आपके पास है नहीं, तभी तो ये जो है आपने गलत लेटर लिख के ले आए आप हमारे पास। और ना तो किसी फॉर्मेट को फॉलो किया आपने और ना ही किसी दफा का क्या बोलते उसको, देख वो भी फॉलो नहीं किया। अरे ये तो किसी काम का ही लेटर नहीं है। कॉपरेटर साहब, हमने इन सारी बातों का ध्यान रखा है, अब एक बार प्लीज ठीक से चेक तो करिए उसे। आपके कहने का मतलब ये है कि हम यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे, अभी हमें आपसे सीखना पड़ेगा कि हमें क्या करना चाहिए। ढंग से लेटर तो आप टाइप नहीं कर सकते हो और हमें सिखाने चलिए लाओ। अरे जाइए जाइए, पहले ड्राफ्ट का लेटर तो बनाना सीखिए, फिर आइए हमारे पास। जिसे आप ये लीगल लेटर कह रही है ना, ये रद्दी के कूड़ेदान में डालने के काम आएगा। अब जाइए यहाँ से, तो हमारे ये जो कीमती समय बर्बाद मत कीजिए। यानी कहाँ कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठा के, ला सिखाने चले हमें। लीजिए और जाइए। बस कीजिए, कानून की जानकारी जरूर होगी आपको, लेकिन औरत से कैसे बात की जाती है उसकी तमीज बिल्कुल नहीं है आप में। आपको ठीक से ड्राफ्ट किया गया लेटर चाहिए ना, ले आएंगे हम। कल सुबह 10 बजे हमारे ऑफिस में आ जाइए लेके, और अगर आप ये नहीं कर पाई ना मैडम, तो समझ जाना इस केस में हम आपकी कोई मदद नहीं करेंगे। चलो गंगा। जाइए जाइए, खड़ी क्यों है आप, जाइए। गंगा, मैं बाहर इंतजार कर रही हूं। लॉयर्स के साथ रहकर कोई लॉयर नहीं बन जाता मिस गंगा शुक्ला। स्पेशलाइजेशन, डिग्री नाम की भी कोई चीज होती है। देख लिया ना, वैसे एक बार फिर ओवर स्मार्टनेस के चक्कर में शर्मिंदा होना पड़ा। अगर वाकई में घर वापस चाहिए तो किसी एक्सपीरियंस लॉयर को हायर करो, कोई ऐसा जो इस काम के लिए क्वालिफाइड हो। बेसहारा ठुकराई भी औरतों के बस का नहीं है। मैंने कहा था ना कि अगर उस नोटिस को नकली साबित करना है तो जाके कर पाई नहीं कर पाई ना, इसीलिए कह रहा हूं उस घर को भूल जा। तेरी जो राहत माया ना, उनसे भी कह दे
कि अब वो घर तुम लोगों को कभी वापस नहीं मिलेगा। एडवाइस के लिए थैंक यू। लॉ की चार किताबें पढ़ने से कोई वकील नहीं बन जाता। अरे अनुभव भी तो कोई चीज होती है, वो आपके पास है नहीं, तभी तो ये जो है आपने गलत लेटर लिख के ले आए आप हमारे पास। अरे जाइए जाइए, पहले ड्राफ्ट का लेटर तो बनाना सीखिए, फिर आइए हमारे पास। लॉयर्स के साथ रहकर कोई लॉयर नहीं बन जाता मिस गंगा शुक्ला। और मैंने कहा था ना कि अगर उस नोटिस को नकली साबित करना है तो जाके कर। गंगा कहाँ चली गई? हम कॉपरेटर के ऑफिस आ गए थे, हम थोड़ा जल्दी आ गए। नहीं नहीं, आप आराम से आओ। ठीक है, आप सुनिए, हम अंदर बैठ सकते हैं? हाँ। थोड़ी देर हो गई। ले आएंगे भैया, लेगा काहे रिटेट करती है। एक मिनट होल्ड कीजिए, आ गया। यहाँ पे कोई तमाशा वासा नहीं चाहिए हमको। हाँ बाद में बतियाते हैं। अरे आइए 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 पाठक जी, आइए आइए। अरे आइए आप लोग भी आइए, आइए आइए बैठिए। आज हम पूरी तैयारी के साथ आए हैं कॉपरेटर साहब। अच्छा? मिस्टर पाठक, अपनी किराएदार राहत जी को घर से नहीं निकाल सकते। 135th अमेंडमेंट ऑफ द टेनेंसी एक्ट के तहत अगर कोई किराएदार एक घर में 7 सालों से ज्यादा से रह रहा है तो उसे वो घर खाली करवाने के लिए कम से कम 1 महीने का लीगल नोटिस दिया जाता है। और मिस्टर पाठक, जिस लीगल नोटिस की बात कर रहे हैं वो पूरी तरह से इलीगल है, जाली है। कानून के हिसाब से जिस दिन ये लीगल नोटिस दिया जाता है उस पे किराएदार के सिग्नेचर लिए जाते हैं। अगर किराएदार के नहीं तो उसकी तरफ से जो भी ये लीगल नोटिस रिसीव करता है उसके सिग्नेचर लिए जाते हैं। और दूसरी बात, ऐसे लीगल नोटिस को रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा भिजवाया जाता है। हमने अपने एरिया के पोस्ट ऑफिस जाकर पता किया। और मिस्टर पाठक,
जिस तारीख पे नोटिस डिलीवर होने की बात कर रहे हैं तो उस दिन डिलीवर हुए सभी रजिस्टर लेटर की लिस्ट है ये। अब देखिए, आप देख सकते हैं राहत जी के नाम पर उस एड्रेस पर उस दिन कोई भी रजिस्टर्ड लेटर नहीं आया। ये सारी डिटेल्स राहत जी को उस घर की चाबी दिलवाने के लिए काफी है। Am I right, sir? पेपर तो बिल्कुल ठीक है, एब्सोल्युटली राइट। पाठक जी, राहत जी को घर की चाबी दे दीजिएगा।